हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, वह है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, ये इसकी धारिता का फॉर्मूला होता है। और हमने इसके सिंबल के बारे में भी पढ़ लिया था कि जो धारिता होती संधारित होता है उसकी उसका सिंबल कैसा होता है, उसका चिन्ह कैसा होता है, यानी उसको दिखाते कैसे हैं। तो एक प्लस और एक माइनस प्लेट, दो प्लेट होती है, उनको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, एक प्लस प्लेट बना के एक माइनस प्लेट क्या बना के, और यहाँ से इसको आवेश देख के इसके अंदर आवेश को संचित किया जाता है। ठीक है, इतना हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि कैसे हम संधारित्र की या चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने क्या करा, विभव, जो विभव होता है उसकी धारिता को, विभव को अगर हमने कम कर दिया, यानी ये जो दो प्लेट हैं एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच का विभव अगर हमने कम कर दिया, सपोज इनके बीच का विभव वी ए बी है, वी ए बी कहां से आया, सपोज ये ए प्लेट है ये बी प्लेट है, तो इनके बीच का जो विभव होगा अगर हमने इसको कम कर दिया, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर हमने विभव को कम कर दिया तो इससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी, और अगर आपका विभव बढ़ गया तो धारिता कम हो जाएगी, ये चीज आपको देखना है। ठीक है, इसके अंदर तो इसकी तो पहला जो इसमें कारक है वह है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। अगर सपोज आपने प्लेटों का क्षेत्रफल क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, यानी आपने इसके क्षेत्रफल को घटा दिया, अब ये क्षेत्रफल घट जाएगा तो घटने के कारण क्या होगा, ये प्लेटें पास पास आएंगी, और क्षेत्रफल घट जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, विभव बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, विभव बढ़ जाएगा, और विभव बढ़ जाएगा तो धारिता घट जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे आप क्षेत्रफल घटाओगे तो क्षेत्रफल घटाने पे क्या होता है, विभव कम हो जाता है, और विभव कम होगा तो उससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा था कि अगर विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। तो क्षेत्रफल के बढ़ने पर या क्षेत्रफल के घटने पर क्या होता है, धारिता, अगर आपका अगर क्षेत्रफल घट रहा है तो धारिता भी घटेगी, और अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो धारिता भी बढ़ेगी। या आप डायरेक्ट इसमें जो रिलेशन है उसको याद रख सकते हो कि धारिता जो होती है समानुपाती होती है एरिया के, तो एरिया बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी, एरिया घटने पर धारिता भी घटेगी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर आपकी दो प्लेट हैं, ठीक है, सपोज ये आपकी दो प्लेट हैं, एक प्लस प्लेट है और एक माइनस प्लेट है, ठीक है, माइनस प्लेट, अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, अगर ये इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, यानी ये प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाए या घट जाए तो उससे भी इसकी धारिता बढ़ और घट सकती है। तो अगर मान लो इसके प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देते हैं, अगर इनको पास पास ला देते हैं तो उससे क्या होगा, विभव घट जाएगा, विभव कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा, और आपको पता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो अगर विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी अगर हमें किसी कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो उसकी दो प्लेटों को पास पास रखेंगे, इसलिए ये बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है, और ज्यादा आवेश को संचित करते हैं, क्योंकि पास पास आने पे ये दोनों प्लेटों का विभव कम हो जाता है, उससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। या कल हम पढ़ रहे थे, ये हमने डायग्राम बनाया था, तो हम ये जो दूसरा चालक था उसको उसके पास ला रहे थे, ठीक है, तो यानी डिस्टेंस कम कर रहे थे, दूरी, दूरी कम करने से विभव कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लेटों के बीच के माध्यम पे भी निर्भर करता है ये, ठीक। तो ये जो दो प्लेट होती हैं आपकी, एक प्लस प्लेट, ठीक है, और एक ये माइनस प्लेट, ठीक, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, क्यों, धारिता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये परावैद्युत पदार्थ क्या करते हैं, इसकी धारिता को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सकता है अपना। तो इसमें जो परावैद्युत पदार्थ यानी जो हम इसके बीच में भरते हैं वो या तो आपका कांच होता है या अभ्रक, आपने देखा होगा माइका बोलते हैं इसे, बहुत ज्यादा यूज होता है अभ्रक, ठीक है, अभ्रक हो गया, अच्छा माइका ये हो गया, दोनों को एक ही बोलते हैं, अभ्रक और माइका जो होता है एक ही होता है, मोम होता है आपका, आदि रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसकी धारिता का क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो सी होता है वो समानुपाती होता है किसके, धारिता के, यानी जितना ज्यादा आपका क्या होगा, जितना अच्छा आपका क्या होगा परावैद्युतांक होगा उतना ज्यादा इसकी धारिता हो जाएगी, ठीक है, और परावैद्युतांक क्या करता है, इसके विभव को कम कर देता होगा तभी तो धारिता बढ़ती है, जैसे ऊपर वाले में वी ए बी, तो
जितना अच्छा आपका ये क्या होगा, प्रवैधता होगा, वो क्या करेगा इसके विभव को कम कर देता है, विभव को कम कर देगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन कारक है जिन पे ये निर्भर करता है, तो इसको आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो थैंक यू।